हेलो एवरीवन मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं वेक्टर्स क्लास इलेवेंथ फिजिक्स का वन शॉट वीडियो तो अब हमें समझना था मोशन इन अ प्लेन लेकिन मोशन इन अ प्लेन को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें पता हो व्हाट आर वेक्टर्स तो मैंने सोचा फटाफट फड़ से बनाते हैं वेक्टर्स का एक वन शॉट वीडियो जिसके अंदर हम वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल क्लियर तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लानो लर्नो हाँ, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्यूटली फॉर फ्री एट लर्नो हाब डॉट कॉम तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की ठीक है यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि ये बॉल सीधे सीधे यूं स्ट्रेट लाइन में मूव करता है दैट इज वन डायमेंशन में मूव करता है दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ठीक है लेकिन अब हम बात करते हैं कि यार मान लो इस बॉल को मैं यू थ्रो कर दू तो क्या हुआ हमने देखा कि ये बॉल ने जो है कुछ यू पाथ कवर किया इस तरीके से ये गया ठीक है और इसके दौरान हुआ क्या एट एवरी पॉइंट हमने देखा कि यहां से यहां तक जाने में इस बॉल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज हुआ क्योंकि ये यह यहां से यहां पहुंच गया अगर इसके वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो भी चेंज हुआ क्योंकि मैंने तो यहां से थ्रो किया था बट बीच में हमने देखा था कि बॉल यहाँ तक भी जा चुका था यानी कि वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ था करेक्ट तो इस तरह के मोशन को जहां पर दोनों डायमेंशन या फिर दोनों कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन या फिर मोशन इन अ प्लेन सो प्लेन इज ऑलवेज टू डायमेंशनल जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट द ब्लैक बोर्ड दैट्स अ प्लेन उसमें दो डायमेंशन होते हैं राइट अलॉन्ग द लेंथ अलॉन्ग द ब्रेथ उसी तरह इफ वी टॉक अबाउट अ टेबल दैट इज टू डायमेंशनल दैट इज अ प्लेन अगर हम बात करें बिलियर्ड्स के बॉल की हम क्या देखते हैं ये जो बॉल के जो मूवमेंट है दैट इज टू डायमेंशनल जब बॉल यू मूव करता है हम क्या देख रहे हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है राइट right? तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोशन इन अ प्लेन या फिर टू डायमेंशनल मोशन को समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वेक्टर्स के बारे में पता हो एंड दैट इज वाई दिस वीडियो तो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात करी थी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है राइट? Right? बताओ क्या होता है? बोले तो ऐसी जिसका और दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है जैसे कि अगर मैं वॉक कर रही हूं और मैं कह रही हूं कि यार मैं ना फाइव किलोमीटर पर आवर जो है वॉक करती हूँ मतलब ये मेरी स्पीड है कि मैं हर घंटे में पाँच किलोमीटर कवर करती हूँ बट मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं दाएं जा रही हूँ बाएं जा रही हूँ नॉर्थ जा रही हूँ साउथ जा रही हूँ डजेंट मैटर टू मी मेरे लिए सिर्फ वो फाइव किलोमीटर पर आवर वो जो नंबर है दैट इज इंपॉर्टेंट यानी कि मेरे लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड इम्पॉर्टेंट है डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ मैं एक स्केलर क्वांटिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं स्पीड की बात कर रही हूँ ठीक है लेकिन वही दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि यार मुझे फाइव किलोमीटर पर आवर वाला नंबर तो रीच करना है मतलब मुझे फाइव किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो चलना है लेकिन मेरे लिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन से डायरेक्शन में चलूँ मैं नॉर्थ की तरफ जाऊं या साउथ की तरफ जाऊं या फिर राइट लूं लेफ्ट लूं मतलब द डायरेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट तो अगर मैं ऐसे कह रही हूं कि फाइव किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात कर रही हूं तो यहां पर मैं बात कर रही हूँ वेलोसिटी की यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी की ठीक स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी जैसे कि डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ जैसे कि स्पीड जो कि अभी अभी मैंने एग्जाम्पल लिया जैसे कि वर्क डन जैसे देखा होगा कि अगर हम वर्क डन की बात करते हैं हम कहते हैं कि यार फाइव जूल्स ऑफ वर्क वॉज डन टू जूल्स ऑफ वर्क वॉज डन बट वो वर्क ऊपर किया नीचे किया किधर किया डजेंट मैटर डायरेक्शन राइट दूसरी तरफ अगर हम वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स को देखें तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं फोर्स का ही एग्जाम्पल ले लो मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है ठीक है अब इस ऑब्जेक्ट पे मैंने कुछ न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में अब यहाँ पर मेरा डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर मैं इधर फोर्स लगाऊंगी तो ये उधर जाने लगेगा अगर इसके ऊपर मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगी तो इसके ऊपर कुछ और असर होगा राइट तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन ज़रूर मेंशन करते हैं कि भाई इतना न्यूटन अपवर्ड्स इतना न्यूटन डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स ईस्ट राइट तो बेसिकली फोर्स इसीलिए क्या है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी तो चलो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की भाई चलो मुझे तो समझ में आ गया कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है बट इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इन्हें हम किसी ऑर्डिनरी नंबर की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पीड की बात करते हैं जो कि स्केलर क्वांटिटी है हम क्या लिखते हैं लेट से कि स्पीड इज डिनोटेड बाई वी लेट से तो वी इज इक्वल टू फाइव मीटर पर सेकेंड बस नॉर्मल ऐसे ही लिखेंगे सो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्केलर क्वांटिटी विच स्पीड ठीक है अब आत आती है वेक्टर क्वांटिटी की कि यार अगर वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है तो कुछ तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो हमें बताए कि यहां पर हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए और इसीलिए हम वेक्टर क्वान्टिटी को रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो के साथ एरो क्या शो करता है डायरेक्शन राइट right? कि इधर जाओ तो एरो यूं रहता है उधर जाओ तो एरो यूं रहता है करेक्ट हमने देखा है तो हम क्या करेंगे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे जैसे अब अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रही हूं तो मैं v के ऊपर एक एरो लगा दूंगी विच मीन दैट दिस v इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो अगर मान लो मैं यह कहना चाहती हूं कि वेलोसिटी इज फाइव मीटर पर सेकेंड टूअर्ड साउथ तो मैं इसे कैसे लिखूंगी वी विथ एरो इज इक्वल टू फाइव मीटर पर सेकेंड टूअर्ड साउथ ठीक है यह है रिप्रेजेंटेशन अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है राइट right? तो अगर मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं स्पेसिफिकली उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ तब हम क्या कैसे उसे डिनोट कर सकते हैं तब हम क्या करेंगे वी ऊपर एरो इसको डाल देंगे मॉड्यूलस के अंदर जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर राइट right. जैसे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है एक तो मीटर पर जो कि उसका मैग्नीट्यूड है और दूसरा साउथ जो कि उसका डायरेक्शन है बट अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना चाहूं तब मैं कैसे डिनोट करूंगी इसे मैं इस v को हम मैं डाल दूंगी मॉड्यूल के अंदर विच मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर क्वान्टिटी कई बार टेक्स्ट बुक्स में स्पेशली आपने देखा होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ना कई बार वो ऊपर एरो नहीं बनाते हैं उसके बदले वो उस लेटर को ही बोल्ड में लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल आप अपने एनसीआर टी बुक में अगर देखोगे तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ना वी को बोल्ड में लिखते हैं बहुत डार्क कलर से लिखा हुआ होता है सो दैट्स हाउ दे रिप्रेजेंट तो बेसिकली या तो आप v के ऊपर एरो बना दो या फिर आप v को बोल्ड में लिखो बोथ विल रिप्रेजेंट द v एज वेलोसिटी वेक्टर ठीक है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एरो की बात कर रही हूं बार-बार एरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर में तो भैया डायरेक्शन बहुत क्रिटिकल है तो कुछ यूं होता है हमारा वेक्टर तो इस वेक्टर का एक हेड और एक टेल होता है ठीक है हेड कौन सा होता है हेड क्या है हमारा सर सर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें ब्रेन होता है इसी के थ्रू हम सोचते हैं एंड दिस इज इंपॉर्टेंट तो देखो इस पूरे वेक्टर में ये मेरा हेड है क्यों इसमें देखो ताज बना हुआ है बिल्कुल मुकुट लगाया हुआ है तो बेसिकली जिधर एरो है दैट इज़ योर हेड और दूसरा वाला साइड क्या है टेल तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हेड ये है कि ये है तो इसे ऐसे याद रखना है कि यहां पर क्या है ये ये सर का ताज है सो दिस इज योर हेड एंड दिस इज योर टेल ठीक है क्योंकि अब आगे जो है ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं कई बार बोलूंगी हेड को टेल से जोड़ दो टेल को टेल से जोड़ दो वगैरह वगैरह सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज दिस इज योर हेड एंड दिस इज योर टेल अगर हम आसपास की चीजों में वेक्टर्स ढूंढने की कोशिश करें तो एक ऐसी क्वांटिटी है विंड तो जब हम हवा की बात करते हैं किसी भी जगह पर आप खड़े हो जाओ हवा जो है वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रही होती है सो इट हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन कभी इधर हवा चलती है तो कभी इधर राइट ठीक उसी तरीके से हवा जो चलती है उसकी एक रफ्तार होती है उसकी एक स्पीड होती है कि कितनी तेजी से हवा चल रही है करेक्ट तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब हम विंड के वेलोसिटी की बात करते हैं सो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसका एक मैग्नीट्यूड है जो हमें बताता है कि हवा कितनी तेजी से चल रही है और इसका एक डायरेक्शन भी है अगर हम बिलियर्ड्स के बॉल की बात करें तो हम देखेंगे कि इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमें काफ़ी चीज़ें बताता है तो ध्यान देना इस रेड बॉल पर इस बॉल के वेलोसिटी वेक्टर की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ द तो वेक्टर हमें ये बताता है कि ये बॉल कितनी तेजी से मूव कर रहा है और अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो वो ये बता रहा है कि ये बॉल किस डायरेक्शन में किस तरफ जा रहा है टेबल जो कि एक टू डायमेंशनल प्लेन है इसके अंदर किसी भी बॉल का पोजिशन बताता है पोजिशन वैक्टर और ये बॉल कितनी तेजी से जा रहे हैं वो बताता है velocity, तो, तो जैसा कि मैंने बताया कि स्केलर क्वांटिटीज आर ट्रीटेड लाइक नंबर्स जैसे नॉर्मल नंबर्स की तरह ही उनको भी हम ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे ठीक है दो बातों का ध्यान रखना है पहला तो ये कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं दे हैव टू बी विद द सेम यूनिट्स मतलब अगर मान लो मैं 5 के को 5 किलोग्राम को 1 किलोग्राम से ऐड करती हूँ तो मुझे मिलेगा 6 किलोग्राम लेकिन अगर मैं 5 किलोग्राम को 1 ग्राम से ऐड करूँ तो क्या मुझे 6 किलोग्राम मिलेगा नहीं मिलेगा तो बेसिकली दो क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए उन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए तो मुझे ग्राम को भी किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा ओनली देन वी विल बी एबल टू एड दम ठीक है। दूसरी बात यह याद रखनी है कि अगर हम मल्टीप्लीकेशन या डिविजन की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम इवन डिफरेंट यूनिट्स के साथ भी चीजों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि जैसे कि लेट्स से मेरे पास है फाइव मीटर्स मैंने फाइव मीटर्स डिस्टेंस कवर किया इन वन सेकेंड ठीक है तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो क्या हो जाएगा फाइव मीटर डिवाइडेड बाई वन सेकेंड तो मेरा क्या हो जाएगा स्पीड फाइव मीटर पर सेकेंड तो बेसिकली अलग अलग यूनिट्स के साथ हम डिविजन या मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ओके बच्चा पार्टी तो अब हम क्या सीखेंगे हम सीखेंगे कि वेक्टर्स को हम किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं अब इसे समझने से पहले हमें वेक्टर्स के एक बहुत बेसिक से बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए और वो बिहेवियर क्या है वो बिहेवियर ये कहता है कि अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है ठीक है सबको पता है कि जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड होता है एंड मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द लेंथ ऑफ द वेक्टर और डायरेक्शन तो ऑब्वियसली ये एरो हमें बता ही रहा है कि किस डायरेक्शन में पॉइंटेड है ये वेक्टर ठीक है चलो ये मेरा एक वेक्टर है तो अगर इस वेक्टर को मैं पैरेलल टू इट इस तरीके से डिस्प्लेस कर दूँ सच दैट कि इसका जो लेंथ है वो सेम रहेगा इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इसका डिरेक्शन सेम रहेगा तो ओवरऑल दिस वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड ठीक है यानी कि किसी भी वेक्टर को मैं पैरल टू इट शिफ्ट कर सकती हूं और इसे कहते हैं पैरल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स ठीक है सबको क्लियर है तो मतलब वेक्टर, वेक्टर, तो वेक्टर अगर ऐसा था इसको मैं यू पैरल टू इट शिफ्ट कर सकती हूँ वेक्टर अगर ऐसा था तो इसको मैं यू शिफ्ट कर सकती हूँ वेक्टर अगर ऐसा था इसको मैं यूं शिफ्ट कर सकती हूँ बट पैरल शिफ्ट करना है ताकि इसका डिरेक्शन चेंज ना हो अब कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह की जो पैरेलल शिफ्टिंग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको आप कहीं से भी उठा के कहीं भी रख दो जस्ट इंश्योरिंग कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे तो इस तरह के वेक्टर्स को हम कहते हैं फ्री वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स ठीक है लेकिन कुछ ऐसे वेक्टर्स भी होते हैं जिनके लिए उनका लाइन ऑफ एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसका क्या मतलब हुआ लेटर सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये बॉल एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से तो ये मेरा फोर्स वेक्टर है ठीक है अब मैंने कहा कि ठीक है यार वेक्टर्स को तो हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं तो चलो इसे है ना मैं यूं पैरेलल शिफ्ट कर देती हूँ डज दैट वर्क नो no, क्योंकि मेरा जो फोर्स था वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा था इस बॉल के ऊपर फोर्स लग रहा था तो इस केस में जो मेरा फोर्स वेक्टर है उसके लिए उसका लाइन ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस तरह के वेक्टर्स को हम कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स तो लोकलाइज्ड वेक्टर्स के केस में हमें ये ध्यान देना होता है कि अगर हम उसको पैरेलल शिफ्ट कर भी रहे हैं बट स्टिल देयर लाइन ऑफ एक्शन शुड बी द सेम अब इसके ज्यादा और डीप में नहीं जाएंगे यहां पर आपको एक ही बात याद रखनी है कि एक वेक्टर को हम पैरेलल टू इट शिफ्ट कर सकते हैं सो दिस इज पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स और इसे अच्छे से सुन लो समझ लो ध्यान रख लो क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है तो चलो सभी लोग तैयार हैं सीखने के लिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं इनको लेके क्या कर रही हूँ इसी से तो सीखेंगे हम वेक्टर एडिशन तो इस मेथड को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड या फिर हेड टू टेल मेथड या फिर ट्रायंगल मेथड बड़े सारे नाम है सेम मेथड के ठीक है तो अस सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एंड बी ठीक है B, ये दोनों कुछ इस तरीके से रैंडमली हैं ठीक है ठीके? अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा हम इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे मतलब वेक्टर ए का हेड हेड क्या है ये पिंक वाला एरो जो है दैट्स हेड तो वेक्टर ए का हेड हम वेक्टर बी के टेल के साथ ज्वाइन करेंगे कैसे करेंगे पैरेलल शिफ्ट से ए को हम अपनी जगह रखेंगे बी को हम कर देंगे पैरेलल शिफ्ट इस तरीके से ताकि बी का जो टेल है वो ए के हेड के साथ ज्वाइन हो जाए ठीक है तो इस तरीके से हमने इन्हें हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं हेड टू टेल मेथड इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा अगला स्टेप होगा कि ए का जो टेल है इसको हम बी के हेड से ज्वाइन कर देंगे ठीक है कुछ इस तरीके से तो ये जो नई जो लाइन हमने बनाई जो नया वेक्टर हमने बनाया दिस वेक्टर यानी कि ये जो हमारा वेक्टर है दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो हमें ये वाला वेक्टर मिलेगा ठीक है सबको समझ में आ गया तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लिखेंगे कि वेक्टर आर विच इज रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अब इसे हम ट्राइंगल मेथड क्यों कहते हैं दिख तो रहा है कि यहाँ पर एक ट्रांगल बन चुका है ए दूसरा वेक्टर है बी ठीक है और मुझे ए माइनस बी निकालना है ठीक है तो ए माइनस बी का मतलब क्या है ए माइनस बी का एक्चुअली मतलब है ए प्लस माइनस बी मतलब वेक्टर ए को अगर मैं माइनस बी वेक्टर के साथ जोड़ दूं माइनस बी का मतलब क्या है एग्जैक्टली exactly, सब कुछ सेम होगा बी वेक्टर के जैसा जस्ट दैट इसका जो डायरेक्शन होगा ये ऑपोजिट हो जाएगा करेक्ट सो दैट विल बी माइनस बी तो अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस माइनस बी कर दो तो मुझे मिल जाएगा ए माइनस बी अब तो यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं हम बेसिकली ए और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं ऐड कैसे करेंगे वही हेड टू टेल मेथड ए के हेड के साथ बी के टेल को जोड़ देंगे तो इसीलिए बी को हमने पैरेलल शिफ्ट किया इस तरीके से ज्वाइन करा दिया राइट वही प्रोसेस फॉलो किया देखो हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया दोनों वेक्टर को इसके बाद क्या करेंगे ए का जो टेल है उसे हम बी के हेड से जोड़ देंगे और वो हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर तो हमने जोड़ दिया इस तरीके से और ये मिल गया हमें हमारा रिजल्टेंट वेक्टर इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी तो चलो अब बात करते हैं एक और तरीके की विच इज पैरिलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो ये पैरालोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी ठीक है B, तो हम क्या करेंगे इनके साथ हम इन दोनों वेक्टर्स के टेल्स को एक जगह ज्वाइन कर देंगे तो हम देख रहे हैं कि ये बी का टेल है ये ए का टेल है इन दोनों को हमने इस पॉइंट पर ज्वाइन कर दिया ठीक है लेटर सपोज दिस पॉइंट इज ओ

जो कि बी के पैरेलल हो और बी के हेड से एक लाइन बनाएंगे जो ए के पैरेलल हो और इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा एक पैरेललोग्राम, ठीक है अब अब मिल गया अब क्या करना है इस में पॉइंट से ले करके ये जो दोनों लाइंस हमने बनाई हैं ये दोनों लाइंस जहां पर मीट हो रही है इस पॉइंट को हमें कर देना है ज्वाइन ठीक है अब इसे हमने ज्वाइन कर दिया तो ये जो मेरा बन गया वेक्टर दिस इज वेक्टर आर यानी कि ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है ठीक है तो इसी तरीके से पैरलोग्राम में हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं हम कहेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ठीक है तो ये होता है पैरलोग्राम लॉ अब आपने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक में कई जगह लिखा होता है कि जो पैरलोग्राम लॉ है दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल लॉ अभी अभी तो ट्राइंगल लॉ हम पढ़ ही रहे थे तो अब एक मन में सवाल आता है कि यार ये ट्राइंगल लॉ के इक्विवेलेंट क्यों है क्यों है सोच के देखो तो यहां पर है वेक्टर ए ये है वेक्टर आर और ये वाला क्या है तो ये जो वेक्टर बी है इसको हम शिफ्ट तो कर ही सकते हैं पैरेलल शिफ्ट राइट तो बेसिकली ये जो मेरा डॉटेड लाइन है दिस कुड बी माय वेक्टर बी इन अ वे क्योंकि इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं तो ये क्या बन गया ये भी एक तरीके से एक ट्रायंगल ही तो बन गया तो इसीलिए हम पैरेललोग्राम लॉ को भी ट्रायंगल लॉ के इक्विवेलेंट ही कहते हैं अब वेक्टर की जो ये एरिथमेटिक है ये सब जो एडिशन एडिशनशन वगैरह हम कर रहे हैं इनके प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव क्या होता था कम्यूटेटिव जब हम नंबर्स में कम्यूटेटिव पढ़ते थे तो हम कहते थे कि अगर ए और बी दो नंबर है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए यही होता था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर वेक्टर्स के केस में भी ये ट्रू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए ठीक है अब आप पूछ सकते हो कि कैसे क्या ये सच में ट्रू है बिल्कुल ट्रू है चलो ऐसे देखते हैं अभी तो हेड टू टेल मेथड हमने सीखा था थोड़ी देर पहले सो लेट अस सपोज कि ये मेरा वेक्टर ए है ठीक है एंड अस सपोज ये मेरा वेक्टर बी है ठीक है तो जो इनका सम होगा वो क्या हो जाएगा ये आर जो है मेरा ये मेरा सम हो जाएगा सो दिस इज बेसिकली ए प्लस बी ठीक है अब अगर मैं पूछू बी प्लस ए करना है मुझे तो अगर बी प्लस ए करना है तो चलो पहले बी को बनाते हैं दिस इज बी अब ए को कहां से ज्वाइन करना है बी के हेड से हेड टू टेल है ना बी के हेड से मुझे ए के टेल को ज्वाइन करना है तो यू होगा ए ठीक है और उसके बाद इन दोनों का सम कैसे निकलेगा बी के टेल से ए के हेड को ज्वाइन करेंगे करेक्ट तभी तो निकलेगा सम तो बेसिकली ये ऐसे सो so, ये हो जाएगा ए प्लस बी तो बेसिकली देखो ए प्लस B, बी जो है ये दोनों केस में सेम ही है करेक्ट दे जस्ट द सेम खाली हमने थोड़ा सा इनका ओरिएंटेशन को चेंज किया तो इससे हम कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए दूसरा प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव नंबर्स के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता था नंबर्स के केस में हम कहते थे कि अगर ए बी सी तीन नंबर है तो ए प्लस बी प्लस सी इज ये होता था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो वेक्टर्स के केस में भी वो ट्रू है यानी कि ए Plus b plus c is equal to a plus b plus c. प्रॉपर्टी नंबर three. इसमें हम बात करेंगे नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर की नल मतलब क्या खाली जीरो जिसके अंदर कुछ भी नहीं है सो दैट इज जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर कहाँ पर आता है सीन में मान लो हमारे पास है एक वेक्टर ए दूसरा हमारे पास है वेक्टर माइनस ए मतलब दोनों जो है बिल्कुल सेम है मैग्नीट्यूड वाइज सेम है इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है तो जब ए और माइनस ए को हम ऐड कर देंगे तो होगा क्या जीरो वेक्टर एग्जैक्टली वो याद है महाभारत या रामायण के वो जो एपिसोड्स अगर आपने देखे हो दोनों तरफ से दो तीर आ रहा है और जैसे ही यू मिलता है वो हो जाता है गायब तो कुछ ऐसा ही हो रहा है यहां पर जब दो इक्वल वेक्टर्स बट ऑपोजिट इन डिरेक्शन जब एड होते हैं तो हमें मिलता है जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ठीक इसी तरीके से अगर किसी भी वेक्टर के साथ मैं जीरो मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर। किसी भी वेक्टर के साथ अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो मुझे वापस वही वेक्टर मिल जाएगा क्योंकि जीरो ऐड किया है तो बेसिकली कुछ ऐड ही नहीं किया है तो जो था वही मिलेगा तो वैक्टर ए प्लस जीरो विल बी इक्वल टू वैक्टर ए चौथा प्रॉपर्टी अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केलर से एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा तो मेरा वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना टाइम्स हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अस सपोज मेरे पास है ये वेक्टर ए ठीक है इस वेक्टर ए को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टू से टू इज अ स्केलर एक नंबर है टू से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा टू ए बेसिकली जो मेरा रिजल्ट है जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो टू टाइम्स हो गया टू से मल्टीप्लाई किया था तो इसका मैग्नीट्यूड टू टाइम्स हो गया और इसका डायरेक्शन वही है जो मेरा वेक्टर ए का था ठीक है तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी वेक्टर को लैमडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो लैमडा टाइम्स हो जाएगा लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो उस वेक्टर के डायरेक्शन के जैसा ही रहेगा ठीक इसी तरीके से अगर हम किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमारे पास है एक वेक्टर ए और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस लैमडा से ठीक है तो क्या होगा माइनस लैमडा से जैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो मेरा जो मैग्निट्यूड है वो तो लैमडा टाइम्स हो गया तो लेटर सपोज ये है मेरा वेक्टर ए इसे मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस टू से तो जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका मैग्निट्यूड टू टाइम्स हो जाएगा ठीक है क्योंकि मैंने टू से मल्टीप्लाई किया था लेकिन इसका जो डायरेक्शन है ये पहले के वेक्टर क्यों? तो माइनस लैमडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिलेगा माइनस लैमडा ए यानी कि मैग्नीट्यूड लैमडा टाइम्स हो जाएगा लेकिन जो डायरेक्शन है वो ए के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा वॉट आर इक्वल वेक्टर्स दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और जिनका डायरेक्शन भी सेम है दे आर इक्वल वेक्टर्स तो क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं बिल्कुल है क्योंकि इनकी लेंथ भी सेम है सो so मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन भी सेम है क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं हालांकि इनका लेंथ तो सेम है बट इनका डायरेक्शन अलग है तो इसीलिए ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं डायरेक्शन सेम नहीं है तो ये भी इक्वल वेक्टर्स नहीं है अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की ना यूनिट वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए यूनिट मतलब वन तो ये यूनिट लेंथ वेक्टर होते हैं मतलब ये ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका लेंथ वन होता है या फिर कह सकते हो कि जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है एंड दे पॉइंट इन अ स्पेसिफिक डिरेक्शन वो एक पर्टिकुलर डिरेक्शन को पॉइंट करते हैं तो यूनिट वैक्टर्स को हम डिरेक्शनल वैक्टर्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो वैक्टर्स होते हैं ना इनका मेन सिग्निफिकेंस ही ये है कि ये किसी भी वैक्टर का डिरेक्शन बताता है इसीलिए इन्हें हम कहते हैं डिरेक्शनल वैक्टर अब आप पूछोगे कैसे ये वैक्टर्स डिरेक्शन कैसे बताते हैं तो अब इनका मैग्नीट्यूड तो वन होता है ये हमें पता चल गया तो यूनिट वेक्टर के साथ अगर आप कोई भी स्केलर को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको एक वेक्टर मिलता है तो बेसिकली किसी भी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो एक स्केलर मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर। वो जो स्केलर होगा वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा जो यूनिट वेक्टर होगा वो उस वेक्टर का डिरेक्शन बताएगा ठीक है तो यूनिट वेक्टर को अगर मुझे मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे तो मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एनी वेक्टर लेट अस सपोज वी टॉक अबाउट अ वेक्टर ए इन जनरल हम एक वेक्टर ए की बात करते हैं तो एनी वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए ठीक है मतलब अगर कोई भी वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर तो वो मैग्नीट्यूड बता रहा है उसका जो भी वैल्यू है जो लेंथ है और यूनिट वेक्टर बताता है डायरेक्शन ठीक है अब ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये यूनिटलेस होते हैं इनका कोई यूनिट नहीं होता ये डायमेंशन होते हैं कोई डायमेंशन नहीं होता इन्हें हम डिनोट कैसे करते हैं जैसे नॉर्मल वैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं ऊपर एक एरो बना देते हैं यूनिट वैक्टर के ऊपर हम क्या करते हैं एरो बनाते हैं नहीं थोड़ा कुछ अलग करेंगे इनके ऊपर हम एक कैप बना देते हैं उनको ना टोपी पहना देते हैं हम यूनिट वेक्टर को तो यू इस तरीके से हम बनाते हैं इनका कैप तो इसे हम कहते हैं कैप ठीक है अब जब हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे तीन कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं एक्स वाई जेड ये तीनों एक्सेस के अबाउट हमारे तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिसे हम डिनोट करते हैं आई जे और के से ठीक है तो यहां पर हम चूंकि मोशन इन अ प्लेन या फिर मोशन इन टू डायमेंशन की बात करेंगे तो हम मोस्टली आई और जे की बात करेंगे क्योंकि हम एक्स और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं यहां पर तो ये जो आई जे के होता है इनके अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं यानी कि इनको अगर मैं मॉड के अंदर डाल दूं तो इनका वैल्यू क्या होगा बताओ अभी तो बताया यूनिट वेक्टर है यार तो यूनिट है मैग्नीट्यूड सो मॉड ऑफ आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ के इज इक्वल टू वन क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ठीक है और चूंकि ये I, J और K जो है ये X, Y, Z एक्सिस के अलोंग है तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ठीक है अब देखो किस तरीके से यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है लेट अस सपोज मैंने कहा कि मेरे पास एक वेक्टर है ठीक है और वो वेक्टर है लेट्स से आई एम टॉकिंग वेलोसिटी वेक्टर और मेरी वेलोसिटी वेक्टर जो है दैट इज टू जे मीटर पर सेकेंड इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड है टू मीटर पर सेकेंड और इसका डायरेक्शन क्या है जे जे मतलब वाई एक्सिस मतलब टू मीटर पर सेकेंड अलोंग द वाई एक्सिस ठीक है तो यहां पर मैग्नीट्यूड किसने बताया टू ने बताया जो कि स्केलर था डायरेक्शन किसने बताया जे ने बताया जो कि यूनिट वेक्टर था तो इसीलिए हम यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं डिरेक्शनल कुछ और डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं लेट अस सपोज कि मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है मतलब वो पोजीशन वेक्टर जो है मेरे बिलियर्ड्स के इस बॉल की इस रेड वाले बॉल की पोजीशन बता रही है और वो पोजीशन बता रही है और वो पोजीशन वेक्टर कह रहा है टू आई प्लस थ्री जे मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि जो टू है टू मीटर i, i मतलब x एक्सिस मतलब x एक्सिस पे टू मीटर और y एक्सिस पे थ्री मीटर इनको अगर ज्वाइन करो तो जो पॉइंट आता है दैट इज द पोजिशन ऑफ द रेड बॉल ठीक है तो इस तरीके से जो यूनिट वैक्टर्स हैं, ये किसी भी वैक्टर के डिरेक्शन को बताते हैं एंड देर फोर वी कॉल देम डिरेक्शनल वेक्टर्स अब मान लो रैंडमली मुझे कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है ठीक है अब ये मेरा वेक्टर ए है ठीक है अब ये मेरा एक्स एक्सेस है वाई एक्सेस है जेड एक्सेस है अब इस किसी भी वेक्टर ए को जो है मैं

ठीक है तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब ये था कि किसी भी वेक्टर को हम इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं उनके फॉर्म में लिख सकते हैं तो बेसिकली ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप यानी कि ए का मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस इंटू आई कैप जो कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है प्लस ए का मैग्नीट्यूड अबाउट वाई एक्सिस इंटू जे कैप जो कि वाई एक्सिस के अबाउट इसका डायरेक्शन बता रहा है ठीक है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अब ए एक्स का मतलब क्या हुआ अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो बोलने का मतलब कुछ यूं हुआ कि अगर हम इसके x और y कॉम्पोनेंट को देखें सो दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई राइट यही तो है कि a की वैल्यू x एक्सिस के अबाउट कितना है मतलब तो ये जो a वेक्टर है ये x एक्सिस पर इसका कितना प्रोजेक्शन है x एक्सिस पे इसकी कितनी वैल्यू है ठीक है अब हम जो है इसे, say, ये थीटा, ये जो है 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 इसे से ये 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 थीटा थीटा एंगल और हम थीटा के टर्म्स में ये जानना चाहते हैं कि ये AX कितना है ठीक है है या फिर AY कितना है, तो यहां पर हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे देखो ये कैसा ट्रायंगल है ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प ले सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा साइन थीटा क्या होता है परपेंडिक्यूलर बाई हाइपोटेन्यूस यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है विच इज ए वाई बाई हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज का कितना है मेजर ए तो यहाँ पर ये ए वाई ए जो भी मैं बात कर रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट दीज वेक्टर्स ठीक है अब ठीक इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा कितना होगा बी बाई एच यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो ये हो जाएगा ए एक्स बाई तो ये रिलेशन से हम कह सकते हैं कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा और हम ये भी कह सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ठीक है तो इससे हमें क्या पता चला इससे हमें यह पता चला अगर कभी भी हमारे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ हो जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा उसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस विल बी ए कॉस् थीटा और उसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस विल बी ए साइन थीटा अब ये जो है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बट ये बहुत काम आएगा हर छोटे छोटे जगह पर यह काम आते रहेगा ठीक है अब मान लो मैं बात करती हूँ ये जो ए, वेक्टर ए है इसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ कि इसका एग्जैक्ट मैग्निट्यूड कितना है या फिर इसका एग्जैक्ट डिरेक्शन क्या है ठीक है तो मैं कैसे बताऊंगी तो यहां पर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैं कह सकती हूं कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये तो मैं लिख ही सकती हूं क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वा प्लस ए वाई स्क्वायर ठीक है तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का इन द सेंस जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर हमारे पास लेट्स से एक वेक्टर है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग दूसरा वेक्टर है अलोंग द वाई एक्सिस तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस

एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स पता है तो हम इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं राइट right? तो इससे हमें क्या पता चला इससे हमें ये पता चला अगर हमारे पास कोई भी गिवन वेक्टर है उसे अगर हम रिजोल्व कर दें उसे अगर हम उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में रिजोल्व कर दें तो उनके हेल्प से हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ निकाल सकते हैं ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्योंकि बहुत बेसिक है इसी के ऊपर बेस्ड आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड अभी तक हम जिस मेथड की बात कर रहे थे दैट वाज ग्राफिकल जिसमें हम ड्रॉ कर रहे थे हेड से टेल को जोड़ रहे थे फिर टेल से हेड तक जोड़ के हम रिजल्टेंट निकाल रहे थे तो वहां पर हम ग्राफिकली कर रहे थे अब ये एक एनालिटिकल मेथड है और इस मेथड में हम क्या करेंगे हम वेक्टर्स के रेस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स को एड करेंगे ठीक है बोलने का मतलब लेटस सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं लेटस से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी ठीक है तो अभी अभी हमने देखा कि किसी भी वेक्टर ए को हम उसके एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक उसी तरीके से वेक्टर बी को भी हम लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बीवाई जे कैप ठीक है तो अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना हो तो एनालिटिकल मेथड मतलब हम कैलकुलेशन से इसको ऐड कर लेंगे कैसे हम जो आई कैप वाले कंपोनेंट हैं उनको साथ में ऐड कर देंगे और ठीक उसी तरीके से जो जे कैप वाले कंपोनेंट हैं उनको हम साथ में ऐड कर देंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बीवाई जे कैप ठीक है तो ये ए प्लस बी का जो सम है लेटर से उसको हम आर से डिनोट करते हैं आर वेक्टर दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर सो दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स को हम डिनोट करेंगे आर एक्स आई कैप प्लस ए वाई बी वाई को डिनोट कर देते हैं आर वाई जे कैप ठीक है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका हर एक कॉम्पोनेंट जो है वो ए और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट का सम है जैसे कि रेजल्टेंट वेक्टर का कॉम्पोनेंट क्या क्या है आर एक्स और आर वाई है तो आर एक्स क्या है ए एक्स बी एक्स का समय क्या है ए वाई बीवाई का सम ठीक है तो इस तरह से जब हम ऐड करते हैं इसे हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड तो चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं लेट अस सपोज हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी ठीक है तो अगर मुझे जी वेक्टर के कंपोनेंट्स को इवैल्यूएट करना हो जहां पर दिया हुआ है कि जी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी ठीक है तो सबसे पहले तो व्हाट इज जी वेक्टर जी वेक्टर को भी हम उसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं जी एक्स आई कैप प्लस जी वाई जे कैप और ये दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप माइनस ब्रैकेट के अंदर हम बी के जगह लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस j जे कैप प्लस सी के जगह लिख सकते हैं सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप ठीक है अब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं कॉम्पोनेंट वाइज मतलब सारे आई वालों को साथ में सारे जे वालों को साथ में वैसे ही करते हैं हम तो चलो सारे आई वालों को एक जगह कर लेते हैं ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई माइनस सी वाई जे कैप क्योंकि ब्रैकेट हटाओगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ठीक है तो ये आ जाएगा सो so बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जी एक्स अब देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को अगर कंपेयर करो तो क्या देख रहे हो आई कैप के साथ इधर क्या है जी एक्स और इधर आई कैप के साथ क्या है ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स जिसका मतलब है कि जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स उसी तरीके से अगर जे कॉम्पोनेंट पे फोकस करो तो क्या पता चल रहा है कि जी वाई जो है दैट इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी वाई माइनस सी वाई तो इस तरीके से हमने जी के कॉम्पोनेंट्स को इवेल्युएट कर लिया तो देखो अभी तक तो जो है ना हम एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं सिंपल सिचुएशन की बात कर रहे थे जहां पर ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है और हमें इनका रिजल्टेंट निकालना था ठीक है तो मेरा रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आ रहा था वेक्टर आर अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रैंगल बना रहा था तो मैं आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल ले रही थी लेकिन सिचुएशन थोड़ा टेढ़ा तब होगा जब मैं कहूंगी कि यार ये ए और बी के बीच का जो एंगल है ना ये नाइन्टी डिग्री नहीं है अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल तो मिलेगा नहीं तो मैं पाइथागोरस थ्योरम तो लगा नहीं सकूंगी रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए तब मैं क्या करूंगी तो चलो देखें इसको मैथमेटिकली निकालते हैं कि किसी भी वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल अगर 90 नहीं भी है कोई बात नहीं तो हम उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ना तो चलो देखिए कैसे हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहां पर मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम यानी कि हमारे पास गिवन क्या है गिवन है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और दोनों के बीच का एंगल थीटा तो इन तीनों चीज के टर्म्स में मुझे बताना है कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा और मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन दोनों चीज़ें बतानी है ठीक है तो हम क्या करेंगे जैसा कि हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था पहले तो हम इस तरीके से पैरेललोग्राम बना लेंगे फिर ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा तो पैरेललोग्राम मेथड के हिसाब से जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ठीक है अब यहां पर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड के के exactly वैल्यू को निकालने के लिए हम है इस, से हम बनाएंगे एक इस तरह से ठीक है तो इनको हम कुछ नाम दे देते हैं दिस इज पॉइंट एन तो हमने कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पर हमने कुछ कंस्ट्रक्ट किया क्या कंस्ट्रक्ट किया एस एन परपेंडिक्युलर टू लेट से दिस इज पॉइंट ओ तो हमने एस एन को परपेंडिकुलर बनाया ऑन ओ एन ठीक है तो अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखें ट्राइंगल ओ एस एन ट्राइंगल ओ एस एन ये क्या है ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो इसीलिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनियो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ठीक है अब ये जो ओ एन है ये ओ एन क्या है अगर हम मान लें कि ये वाला पॉइंट पी है तो ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन करेक्ट तो ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन ठीक है o -P P और ओ पी क्या है ओ पी इज ए ए मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बेसिकली ठीक है और पी एन क्या है वॉट इज दिस पी एन अब ये बी है राइट क्योंकि पैरलोग्राम के ऑपोजिट साइड्स है अच्छा ये वाला एंगल क्या है ये मुझे पता नहीं लेट से दिस एंगल इज थीटा तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा दिस इज अ वेक्टर बी दिस इज मेकिंग थीटा विथ एक्स एक्सेस तो इसका ये वाला हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी कॉस थीटा करेक्ट ये तो किया था अभी थोड़ी देर पहले तो पी एन की जगह हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा ठीक है तो मेरा ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये क्या हो जाएगा वापस से ये हो जाएगा ओ एस स्क्वायर क्वल टू एस एन स्क्वेर अब एस एन को हम क्या लिख सकते हैं अगर ये बी है और यह थीटा है तो यह एस एन क्या हो जाएगा बी साइन थीटा क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी साइन थीटा ठीक है ना तो इसको हम लिख सकते हैं एस एन स्क्वायेर कैन बी रिटर्न एज बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर ठीक है अब ओ एस स्क्वायर क्या है ओ एस इज बेसिकली आर यानी कि रिजल्टेंट सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू अब इसको हम पूरा ब्रेक कर लेंगे तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस्थीटा साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस् थीटा या फिर आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा तो एग्जैक्टली exactly यही हमें चाहिए था हम क्या चाहते थे कि रिजल्टेंट की हम वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड थीटा तो बस निकल गया तो इसका मतलब है यही है हमारा मेन फॉर्मूला कभी भी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी दिए हुए हैं जिनके बीच में जो एंगल है दैट इज़ थीटा अगर इनके बीच का जो एंगल है बिकॉज दिस इज थीटा विच मीन्स दिस इज थीटा राइट क्योंकि ये बी और ये बी दोनों बी ही तो है सो so अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हम ऐसे निकालेंगे इनफैक्ट इस रूल को बोला जाता है लॉ ऑफ कोसाइंस कोसाइन क्यों क्योंकि देखो यहाँ पर कॉस वाला टर्म है राइट right? तो इसीलिए दिस इज़ लॉ ऑफ कोसाइंस

ओ एन ये जो है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल तो हम कह सकते हैं कि टेन एल्फा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर इज एस एन और बेस क्या हो जाएगा ओ एन तो एस एन क्या है बी साइन थीटा अभी तो हमने निकाला था और ओ एन क्या है ओ पी प्लस पी एन ओपी है ए और पीएन है बी थीटा ठीक है तो a b और थीटा के टर्म्स में हम tan अल्फा को इस तरीके से निकाल सकते हैं तो इससे हमें मिल जाएगा डायरेक्शन तो चलो भाई डायरेक्शन वाला मामला भी जो है वो भी सॉल्व हो गया लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जो मैं बताना चाहूँगी व्हिच इज कि अगर हमारे पास एक वेक्टर a एक वेक्टर b हो और उसका रिजल्टेंट r दिया हुआ हो तो हाउ आर दीस थ्री वेक्टर्स लिंक्ड टू देयर रेस्पेक्टिव एंगल्स ठीक है उसको भी हम बता सकते हैं कैसे चलो देखते हैं अब देखो अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहां पर हमें दिख रहा है कि एस एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा ठीक है बट एट द सेम टाइम अगर हम एल्फा एंगल को कंसिडर करें ये एस एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा कौन से ट्रैंगल के हिसाब से ट्रैंगल पी एस एन के हिसाब से जब हम ट्राइंगल पी एस एन को देखते हैं जो कि एक राइट ट्रेंग, राइट एंगल ट्रैंगल है तो हम कहते हैं कि एस एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा लेकिन वहीं जब हम ट्रैंगल ओ एस एन फोकस करेंगे मतलब इस बड़े वाले ट्रैंगल पे फोकस करेंगे तब हम ये भी कह सकते हैं कि एस एन इज इक्वल टू आर साइन एल्फा है कि नहीं ऐसा भी तो कह सकते हैं सो दे आर फोर बी साइन थीटा इज इक्वल टू आर साइन एल्फा या फिर हम कह सकते हैं कि आर बाई साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई साइन एल्फा ठीक है तो ये मेरा एक रिलेशनशिप है जो क्या कनेक्ट कर रहा है जो कह रहा है कि आर और बी ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स और थीटा और अल्फा क्या है थीटा है द एंगल जो कि बी बना रहा है ए के साथ अल्फा है एंगल जो आर बना रहा है ए के साथ तो मतलब आर बी और उनके रेस्पेक्टिव एंगल्स के बीच का रिलेशन ये इक्वेशन हमें दे रहा है अब ठीक इसी तरीके से इन अ सिमिलर वे अब यहाँ से ये जो पॉइंट पी है ना अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं यहाँ पर अब शायद आपको इतना सारा कंस्ट्रक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा हालांकि नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू दीज डेरीवेशन ये सब कोई पूछेगा नहीं डेरीवेशन बट यू शुड नो कि कहाँ से ये रिलेशंस आ रहे हैं एंड दैट इज वाई आई एम शोइंग वीज टू यू ठीक है तो अगर आप पी से एक परपेंडिकुलर इस तरीके से बनाते हो तो आप कह सकते हो एंड लेट अस से कि दिस पॉइंट इज एम ठीक है तो अब अगर हम ये छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल पर फोकस करें तो हम कह सकते हैं कि पी एम इज इक्वल टू ए साइन एल्फा राइट क्योंकि ये राइट एंगल ट्राएंगल है तो ये भी राइट एंगल ट्राएंगल है तो साइन एल्फा क्या हो जाएगा परपेंडिक्युलर बाई हाइपोटेन्यूस करेक्ट तो अगर हम ट्राइंगल पी एम ओ पे फोकस करें तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं ठीक उसी तरीके से पी एम को हम लिख सकते हैं बी साइन बीटा अगर बीटा इज दिस एंगल ठीक है बीटा अगर ये वाला एंगल है तह, तो हम लिख सकते हैं कि साइन बीटा क्या हो जाएगा साइन बीटा विल बी इक्वल टू पी एम ये वाला छोटा वाला मतलब ये पी एम एस ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के हिसाब से हम ये लिख, रिलेशन लिख सकते हैं सो देर फोर यहां पर हम क्या लिख सकते हैं ए साइन एल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा या फिर ए बाई साइन बीटा इज इक्वल टू बी बाई साइन एल्फा ठीक है एंड लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन टू तो अब ये इक्वेशन वन और टू दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं दोनों को कंबाइन करके वी कैन से दैट आर बाई साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई साइन एल्फा इज इक्वल टू ए बाई साइन बीटा और ये जो रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं लॉ ऑफ साइंस जिस तरह अभी हमने देखा था लॉ ऑफ को उसी तरह इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ साइंस तो ये रिलेशन किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है ए बी और आर ये जो तीनों वेक्टर्स थे इनके मैग्नीट्यूड्स और इनके रेस्पेक्टिव एंगल्स देखो थीटा क्या है थीटा ए और बी के बीच का एंगल है एल्फा क्या है आर और ए के बीच का एंगल है बीटा क्या है अगर बीटा पे अगर हम फोकस करें तो बीटा किसके किसके बीच का एंगल है आर और बी के बीच का एंगल है राइट सो so, तीनों के आपस के बीच के जो एंगल्स हैं और जो तीनों के मैग्नीट्यूड्स हैं इनके बीच का रिलेशनशिप देता है लॉ ऑफ साइंस तो बचापाटी विद दिस हम लोग पहुंच चुके हैं इस वीडियो के एंड पे और इस वीडियो के अंदर हमने वेक्टर्स के बारे में वो सारी बातें डिस्कस कर ली है जो हमें चाहिए होंगी टू अंडरस्टैंड मोशन इन अ प्लेन और सभी लोग इस वीडियो को अगर देख चुके हो तो मुझे उम्मीद है कि वेक्टर्स तो हो चुका होगा क्रिस्टल क्लियर और बिल्कुल सीट बेल्ट बांध लो तैयार हो जाओ क्योंकि नेक्स्ट तगड़ा वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी मोशन इन अ प्लेन का वन शॉट धमाकेदार वीडियो ठीक है तो मैं जल्दी ही मिलती हूं अगले वीडियो के साथ और अगर इस वीडियो को देखने के बाद वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट हुए हैं क्रिस्टल क्लियर तो आप क्या करोगे कमेंट्स पे लिखोगे कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर तो सभी लोग आराम से रहो स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय